हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ने कल एक नोटिस निकाला था। आप में से काफ़ी ऐसे कैंडिडेट थे जो फॉर्म फिलअप के टाइम पे कुछ इश्यूज हो रहा था, उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। और एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा ये तो डिसीजंस बाद में लिया जाएगा, लेकिन आपको अभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने के लिए आपको, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड नहीं मिला था आपका, बिकॉज ऑफ कोविड-19 के वजह से आपका ट्वेल्थ का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका था, राइट? तो उसमें क्या था, आपको काफ़ी सारा यूनिवर्सिटीज़ जो है CBSE का जो भी गाइडलाइंस था उसको फॉलो कर रहा था, उसी के लिए जो है काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स ने 10th का तो एग्ज़ाम का कैंसिल कर दिया था, लेकिन 12th का जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्ज़ाम्स आपका जून महीने में होने वाला है, तो एडमिट कार्ड कब तक आएगा उसका तो आपको अभी नहीं जानते क्या होगा इन फ्यूचर। अभी जो कोविड-19 के सिचुएशन है उससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? तो घर पे रहिएगा। तो मैं जो बता रहा था कि इसमें जो भी स्टूडेंट्स 5 मार्च से कुछ भी इश्यूज़ हो रहा था आपको, कि फॉर्म फिलअप में आपको कुछ जो है आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में, रोल नंबर अपलोड करने में, तो आपके पास नहीं था, आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर पा रहे थे। तो अभी क्या करना है आपको, अभी अपने पास, आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आप उसको अपलोड कर दीजिएगा फॉर्म फिलअप के टाइम पे, वहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा। और उसको एक मेल आईडी रहेगा, मैं मेल आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में, ये जो मेल आईडी है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप दे सकते हैं। या तो ये जो मैं एड्रेस है, एड्रेस भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस एड्रेस में आप भेज सकते हैं फॉर्म को फिलअप करने के बाद। तो आप मेल आईडी में भेज दीजिएगा, ठीक है, और आधार कार्ड अपलोड कर दीजिएगा तो हो जाएगा। तो यही था सिंपल सा अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर फॉर्म फिलअप के रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं फिर से मैं इसको समराइज कर दूँ एक बार, कि आपका, आप में से जो भी फॉर्म को फिलअप नहीं कर पा रहे थे वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। रहा बात पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, वो इन फ्यूचर का बात है, लेकिन एग्ज़ाम्स होना चाहिए। पोस्टपोन होगा तो आपका जो ईयर्स है वो आपका लॉस हो सकता है, तो मैं नहीं चाहता कि आपका पोस्टपोन हो, नहीं सॉरी कैंसिल, पोस्टपोन हो सकता है, राइट? पोस्टपोन अगर हो तो आपके पास टाइम होगा, आपका एग्ज़ाम्स में मतलब ईयरली में कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट? लेकिन आपका दिक्कत कहाँ पे हो सकता है, आपका स्टडी में, आपका नॉलेज में दिक्कत हो सकता है। तो कैंसिल तो नहीं होगा, पोस्टपोन होगा तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। और अभी आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और अपना स्टडी को जो है पीक पे रहना चाहिए अभी, और जितना ज़्यादा हो सके रिविजन्स एंड देन मॉक टेस्ट तो हो जाएगा, राइट? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।